Okay, so let me present my screen. Okay, now what can you see, beta? Tell me. Sir, Om Shri Sai Ram. PPT. Good. So let us start, and we have already discussed these things, and na Devi G Build rules. See, first of all, divisibility by 2. Okay, beta. So what is the rule? If the digit at one place of a number is 0, 2, 4, 6, or 8, then it is divisible by 2. Remember it. Suppose, for example, if you want to check the number 63 and 240, are these divisible by 2 or not? So, yes. See the number 63 first. So, what is the digit at one place? Bolo beta. Three. So it is not divisible by 2, because yahan par kya hona chahiye tha? 0, 2, 0, 2, 6, 4, 6, 8. Very good. Sir, doubt. हाँ बोलो बेटा. Yes, sir, any even number. इसी जगह अगर अपन 2, 6, अगर odd number है ना, बोल सकते हैं odd number. हाँ, odd digit. Digit number नहीं, बट digit देखना है, digit होना चाहिए. 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. अब देखो 240 में, देखो 240 में what is the digit at one place? 0. 0. है ना बेटा? 0. So it will be? 0 divisible by 2. Got it? Yes, sir. Yes, beta. Next is by 3. है ना बेटा? By 3, a given number will only be divisible by 3 if the sum of all the digits of that number is multiple of a 3. Right? Tell me the example. Just see. I'm taking two numbers, 623 and 2400. So, so first of all, what is to do? Add the digits. 6 plus 2 plus 3. You will get 6 plus 2, 8. 8 plus 3, 11. And 11 is not a multiple of 3. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 4 ja 12. 11 to nahi aaya na us table mein? Yes, sir. What will say? 600 is not divisible by 3. Very good. Another example, 2400. So add the digits 2 plus 4 plus 0 plus 0. You get 6. And 6 is a multiple of 3. 3 to 6. Divisible. Very good. So let's go to next number. By 4. Okay, beta. We have to check whether the last two digits, last two digits dekhna. Okay, beta? Of the given number, that is digit at one place and digit at 10th place. If the number forms is divisible by 4, then the number is divisible by 4. Let us see with an example. Example dekho. Do number mein le raha hun. 23,436. Hai na? Ab is number ko dekho. To kya dekhenge? Is number ko dekho, beta. What is the digit at 6 and 3? इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? Tell me बेटा. 36. जोड़ना नहीं है, सुनो बेटा, पहले मुझे सुन लो, नहीं करना। चार में जोड़ना नहीं है, थ्री के लिए जोड़ना था। इसमें क्या करना है ना, देखो ये दोनों डिजिट देखो, वन प्लेस और टेंथ प्लेस, तो इससे क्या नंबर बना, बोलो बेटा। 36 फोर से डिवाइड नहीं होता है सर, होता है उसको बोलने दो। हाँ होता है ना बेटा, तो पूरा फोर से, ठीक है? या तो दोनों डिजिट जीरो हो जाए, या डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो अगर फोर से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर फोर से डिवाइड होगा। अब दूसरा नंबर देखो क्या है इसमें, इसमें क्या नंबर बन रहा है बेटा, 8 एंड 2 से क्या बन रहा है, 82। इसको फोर से डिवाइड करो आप, डिवाइड करो फोर से। कॉपी है तेरे पास, तुम लोग पास कॉपी होगी ना, पास डिवाइड करो फोर से।
डिवाइड 82 बाय 4 डिवाइड हुआ? नो सर, नो सर, नहीं हो रहा है ना? रिमाइंडर आ रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो व्हाट विल से नंबर 2582 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्या रूल बना हमारा? तो सुनो पहले बेटा, है ना, दो लोग बोलो सिर्फ, है ना, एक विराट को बोलने दो और एक कौन बोलना चाहेगा? और विराट को बोलने दो। विराट, विराट है? यस सर। हाँ बेटा विराट, गुड। तो एक विराट बोलेगा और एक साथ में मैं इसको नाम दे दूं, प्रणव है, प्रणव, प्रणव यादव सर, सर मैं सर मुझे नाम बोलो, नाम बताओ सर मुझे। ठीक है, आप ही दोनों बोलना बीच में, और जिसको डाउट होगा उसको बोलने देना, ठीक है बेटा। तो लास्ट दो डिजिट देखना है यहाँ पर, 1 और 10 का, इससे एक नंबर बनेगा, वो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े विराट? यस सर। गुड, नाउ बाय 5। 5 का रूल क्या है, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेता एक बार। एनी गिवन सलाम, ठीक है ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, टेक इट। मैं जा रही हूं। बुक में भी लिखा है। हाँ बेटा, बुक में भी है, बुक में दिखाऊंगा मैं आपको अभी। लास्ट डिजिट दैट इज डिजिट एट वन प्लेस शुड बी 0 और 5। वन प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखे हम, एग्जाम्पल देखो, मान लो ये नंबर हमारे पास है 2348, सो व्हाट इज देयर एट वन प्लेस? 8। यहाँ पर क्या है? ये नहीं होगा। इज इट 0? नो। इज इट 5? नो। सो इट इज नॉट डिविजिबल। 6300 वाला होगा। हाँ, ये हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि सर आपने सिर्फ 2 है, यहाँ पर 0 है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए? Got it? Yes sir. Yes sir. Go ahead. Yes बेटा. Next number is by 6. It says if a number is divisible by both. Sir, पीछे करना, मुझे स्क्रीनशॉट लेनी थी। हाँ, divisible by 2 and 3 both. 2 से भी divide हो, 3 से भी divide हो, तो पूरा number divide हो जाएगा 6 से. Example देखें. कौन बिना डिवाइड किए हमको पता करना है, तो पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, नॉट डिवाइड से मालूम चल जाएगा हमें, है ना बेटा? अब इस नंबर को देखो आप, है ना, 3 से देखें, 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 3 = 12, एक मिनट देखना, लुक हियर बेटा, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? नो सर, नो। दो से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है बेटा? चाहे 3 से भी देखो, चेक करके, दोनों से होना चाहिए डिवाइड, 2 से भी और 3 से भी होना चाहिए, तो 2 से भी नहीं हुआ, तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप 3 से भी चेक करके देखो, अगर होगा भी तब भी नहीं होगा बेटा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। अब इस नंबर को देखो, मुझे करना स्क्रीनशॉट लेनी थी। अरे भैया अभी मत लो, पूरा स्लाइड आने दो फिर लेना, ठीक है? देखो बेटा, अब इस नंबर को देखो, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? यस सर, क्योंकि 0 यहाँ पर है। यस सर, यस सर, हो रहा है। ठीक है, चेक करेंगे फिर, 6 + 3 + 0 + 0 = 9 आ रहा है, 9 3 3 9, यस सर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो, बाय 3 आल्सो, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो, 6। ठीक है बेटा, नाउ किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। चेरी,
थ्री से भी चेक करेंगे और दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है बेटा, टू से भी और थ्री से भी होना चाहिए। ओके लेट्स गो अहेड। सेवन का बुक में नहीं है मगर मैं आपको सिखाता हूँ, सेवन का बुक में नहीं है मैं सिखाता हूँ बेटा फिर भी, ठीक है। सेवन के लिए क्या रूल है ना, नंबर को देखो आप, नंबर के लास्ट में क्या है, इसमें क्या मेरे पास है, जीरो है। जीरो को डबल करो, जीरो को डबल करो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो को माइनस करो बाकी नंबर में से, जीरो को छोड़ के नंबर क्या बनेगा, 203। इसमें से माइनस करो क्या मिलेगा, 203। अब 203 को फिर देखो, 3 को डबल करो, 3 टू जा 6, 6 को माइनस करो 20 से, व्हाट डू यू गेट, 14। इज 14 कम्स इन टेबल ऑफ 7, यस यस, हमारे डिविजिबल बाय 7, यस। या तो ये जीरो आएगा या 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल देखो सर, डाउट है। हां हां बोलो, डाउट बोलो सर। पीछे सर, पीछे करना सर, ये जो फर्स्ट नंबर है डबल द लास्ट डिजिट तो सर, फिर सॉरी सर, सर ये थ्री नंबर है डबल द लास्ट डिजिट तो 3 × 6 कैसे हुआ तो फिर से चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर 3 को डबल करो, यस सर, 3 × 2 = 6, 20 में से माइनस करो 6 को, आप लिखो कॉपी में, आप दूसरा नंबर बोलो बेटा, दूसरा नंबर ले लो, ले लो सर, नंबर लो 168, नंबर लिखो बेटा, सर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नंबर लिखो 168, लिखा, yes. लिखा बेटा, यस सर, 8 को डबल करो, डबल करो 8 को क्या मिलेगा, 16 को माइनस करो बाकी नंबर क्या बचा आपको, जीरो, जीरो, सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, got it, yes sir, yes sir, बाकी से माइनस कर लेना, जो नंबर आएगा वो माइनस करने पर जीरो आएगा या सेवन का मल्टीपल आएगा, ठीक है बेटा, अगर फिर बड़ा नंबर आए, लिसन बेटा, माइनस करने के बाद बड़ा नंबर आए तो फिर से कर लेना उसका, वन प्लेस को डबल करना फिर माइनस करना उसमें से, फिर देखना ऐसे करते जाना, अगर बड़ा नंबर है तो बार बार करेंगे इसको उसी नंबर में से, ठीक है, यस सर, यस सर, रिकॉर्ड कीजिए, यस सर। हां बेटा, नाउ बाय 8 के लिए 4 की तरह का रूल चलेगा, 4 की तरह, 4 में हमने 1s और 10s को देखा था, अब 100 को भी देखना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ेगा, 1s 10s एंड 100 प्लस देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एग्जांपल देखो, जैसे नंबर ये हमारा है तो 1 पे 0 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो नंबर क्या बना, 640। अगर 640 को डिवाइड करो 8 से, अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा, 648 से डिवाइड होता है ना, 8 × 64, यस सर, हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आपको 4 की तरह चलेगा, 4 में हमने इसको और इसको देखा था, 8 में हमको 1, 2, 3 तीनों को देखना है, अगर ये नंबर जो बन रहा है, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, सर समझ नहीं आया, फिर से देखो, है ना बेटा, ये 1s 10s और 100 पे से कौन सा नंबर बन रहा है, बोलो चेरी, 640 बन रहा है,
640 को 8 से डिवाइड करो सर, हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा सर, 80 आ रहा है। हाँ, 8 या 64, फिर 0 लगाओगे तो 80 आएगा डिवाइड करने पर। यस सर। लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, अगर ये डिविजिबल है 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो चेरी, अंडरस्टूड? यस सर, ये वाला बहुत इजी है। अगर इसमें मल्टीपल होना चाहिए या फिर उसका 80 होना चाहिए, या तीनों जीरो हो जाए। मान लो ये तीनों नंबर जीरो होता है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तब 8 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, है ना? यस सर। सर मल्टीपल भी चाहिए पड़ता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? डिविजिबल बाय 8, मल्टीपल ऑफ 8 बोलो या डिविजिबल बाय 8 बोलो, एक ही बात है ना? यस सर। चलो 9 के लिए हम 3 की तरह देखेंगे। किसकी तरह? 3 की तरह। 3 में क्या किया था हमने? सम किया था डिजिट का। सम करेंगे डिजिट को, विल ऐड ऑल द सम ऑफ द डिजिट्स, इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने पर जो नंबर आएगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय 9 देन यस, अदरवाइज नो। तो ऐड करो, देखो इस नंबर को, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 0 = 7, 7 तो 9 टेबल में नहीं आता, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब दूसरा नंबर को देखो, इसका सम करो, 6 + 3 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 0 = 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9, यस, 9 × 2 = 18, सो यस, नंबर 6390 इज डिविजिबल बाय 9। एनी डाउट? टेल मी, बोलो बेटा। नो सर। 3 की तरह ऐड करेंगे सर, ये भी 3 वाले की तरह ही था। हां, 3 की तरह, बट इसमें क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए सम। यस सर। ठीक है बेटा, या तो सम 0 आए या 9 के टेबल में, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ऐसे 9 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। और अगर बड़ा नंबर आए ना, तो फिर उसको ऐड कर दो, जैसे 18 आया फिर ऐड करो 1 + 8। अगर सम बड़ा नंबर आ जाए तो फिर से ऐड कर देना बेटा, मान लो 18 आया, फिर ऐड करो 1 + 8 9, तो 9 का मल्टीपल में आ गया 9। हो सकता है ना बेटा, बहुत बड़ा नंबर दे दे और सम भी बड़ा सा आ जाए, तो फिर क्या हम सिर पीटेंगे क्या? नहीं पीटेंगे सिर, क्या करेंगे? फिर से सम कर देंगे उसके डिजिट का, और तब तक करेंगे जब तक 9 नहीं आ जाए। अगर 9 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डिविजिबल 9 से नहीं होगा। ठीक है बेटा। Yes. चलो नेक्स्ट नंबर इज 10। 10 के लिए बहुत आसान रूल है, सबको मालूम है। यस सर। क्या होना चाहिए? 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए, है ना बेटा? यहाँ पे 0 होना चाहिए 1 प्लेस पे। अगर यहाँ पे 0 नहीं, 5 की तरह, 5 में 0 हो या 5 हो, 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए यहाँ पे, तभी डिवाइड होगा, है ना? जैसे नंबर देखो 1123, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 10? अच्छे समझना हमें है। 11 के लिए मान लो नंबर है 308, आप भी लिखो कॉपी में, नंबर लिखो 308। अब इसमें क्या करना, देखो पोजीशन देखना, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर देखना बेटा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो जो जो ऑड पोजीशन पर है उसको ऐड करो, और जो जो इवन पोजीशन पर है उसको ऐड करो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना। तो देखो ध्यान से, 3 कितना है? फर्स्ट प्लस पे है, फिर सेकंड पे 2 है, छोड़ दो इसको, फिर थर्ड पे 8 है, तो 3 + 8 कितना होगा? 11। इधर से आया 0, 11 - 0 कितना होगा? 11। दूसरा नंबर देखो बेटा, इसको देखो, इस नंबर को देखो, आप पहले ध्यान से देखो, अब नंबर लिखो 1331। अब देखो इसमें 1 फर्स्ट प्लेस है, फिर एक को छोड़ दो, फिर कौन है? 3 है, तो 1 + 3 कितना आएगा? 4। फिर बाकी क्या बचा? 3 और 1 बचा, 3 + 1 = 4,
माइनस फोर कितना आ रहा है? जीरो। ठीक है बेटा, हम लोग देखना पहला को जोड़ना, फिर थर्ड को जोड़ना, फिर फिफ्थ को जोड़ना, ऐसे जोड़ना, फिर सेकंड को, फोर्थ को ऐसे जोड़ना, या डॉट लगा दो, जैसे लिखो एक नंबर लिखो मेरे साथ, आप भी लिखो बेटा, कॉपी करो 6 1 8 0 9। ठीक है बेटा, अब पेन को हाथ में, सिक्स पे डॉट लगाओ, ऊपर में डॉट लगाओ सिक्स के ऊपर में। चलो एक बार समझाते हैं, इधर रुको बेटा, है ना, मैं थोड़ा सा एक दूसरा निकालता हूँ बेटा, इसको स्टॉप करके बदल सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अनदर वन आई वांट टू टेक फ्रॉम हियर एंड नो फ्रॉम टेबल जाना पड़ेगा। अभी क्या दिख रहा है आपको सर? सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है। सर आपने कोई फोल्डर खोल के रखा है? अच्छा, ये आप क्या दिख रहा है सर? अभी फिर से पीपीटी आ गई सर, डीवीडी वाले भाई 11 दिख रहा है। अच्छा एक मिनट बेटा, हां सर 11 नहीं पाएंगे वहां पर हम लोग, हां खोल पाएंगे, अभी खोल पाएंगे। अरे सर एक मिनट, एक मिनट बेटा, हां रुकना, एक मिनट ऐप खोलता हूं। Canvas. Now tell me, what can you see? What can you see? Whiteboard. एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? Yes sir. Yes sir. हाँ, good, very good. अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, नंबर देखना बेटा, 6 दिख रहा है नंबर? Yes sir. 5 Yes sir. अब बोर्ड की तरफ लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत स्लो लिख पाऊंगा बेटा, है ना? सॉरी, माफ करना। 8 0 और 9, ये नंबर मैं चेक करना चाहता हूँ whether this is divisible by 11 or not. तो ध्यान से देखो, अब क्या करो आप, यहाँ पे पहला पर एक डॉट लगाओ, डॉट लगाओ, एक डॉट लगाओ, डॉट, है ना, फिर एक को छोड़ दो, फिर डॉट लगाओ, फिर छोड़ दो, फिर डॉट लगाओ। ठीक है बेटा, अब जितने पे डॉट लगाया उसको सम करो, 6 + 8 + 9 कितना होगा बेटा बताओ मुझे? 23 एक एक छोड़ के। अब फिर जो जो छूट गया उसको ऐड करो, 1 और कौन है बेटा? 0 0 0 और कौन है ना, इनको ऐड करो, क्या मिलेगा? 1 1 1। अब दोनों को माइनस करना, जो बड़ा होगा उससे माइनस करना, ये बड़ा होगा, कभी कभी ये बड़ा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 23 - 1 क्या आएगा? 22 22 22 22। अब 22 क्या 11 से डिविजिबल है? इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है नंबर हमारा, 6 1 8 0 9। इस नंबर को अगर मैं करूं 11 से, तो देखना ध्यान से, 11 5 = 55 माइनस करो, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, फिर 8 आया यहाँ पर, है ना, 11 6 = 66 8 - 6 = 2 बेटा, कौन है? 0 आया, 11 - 11 क्या मिलेगा? 9 यहाँ से आएगा, 9 11 9 99 99 एंड रिमाइंडर इज 0 5 6 1 9 बेटा ये? Yes, sir. पहला डिजिट छोड़ के डॉट लगा लो, एक छोड़ के डॉट लगा लो, फिर उनको ऐड कर लो, फिर जो जो बच गए उनको ऐड कर लो, दोनों का डिफरेंस करना, अगर वो 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आए तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। गॉट इट बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अभी क्या दिख रहा है मुझे आपके स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है सर? 50 divisible by 11। हां, सर एक बार 4 डिजिट वाला समझा देंगे?
अच्छा चार डिजिट लूं? अच्छा नंबर आप बोलो, एक मिनट बेटा, नंबर आप बोलना, मैं फिर से वहां पहुंचता हूं, कैनवास पे पहुंचता हूं, ठीक है? एक दूसरा मैं ले लूं, दूसरा लेते हैं ना, न्यू फ्रॉम इमेज, नहीं इमेज नहीं, सॉरी सॉरी सर, न्यू ड्राइंग, न्यू ड्राइंग, गुड गुड गुड। हां नंबर बोलो आप, टेल मी द नंबर सर। 1331 ठीक है, ये नंबर हुआ। अब मैं डॉट लगाऊंगा, पहले कलर बदल दूं थोड़ा, आपको दिखेगा अच्छे से, है ना? देखो वन पे डॉट लगाया मैंने, फिर थ्री को छोड़ देंगे, फिर थ्री पे डॉट लगाया, फिर वन आया, फिर और नंबर नहीं है मेरे पास, तो वन प्लस थ्री कितना होगा? ऐड करो डॉट वाले को, ऐड करो डॉट वाले को, ऐड करो, फोर आया। अब बिना डॉट वाले को ऐड करो, थ्री प्लस फोर कितना आएगा? जीरो को किससे डिवाइड करो? जिस नंबर से डिवाइड करो उससे डिवाइड हो जाएगा, 11 जीरो जा जीरो, खत्म हो गया। जीरो आया, मल्टीपल ऑफ 11 आया, ठीक है बेटा? 1 2 2 1 2 अच्छा ठीक है, 1 2 अब बोलो 2 3 1 2 अब बोलो 1 2 2 5 9 1 2 3 अच्छा 5 9 चलो ठीक है, इस नंबर को देखते हैं, इस नंबर को चेक करते हैं, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ये देखो, ये फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट, है ना बेटा? ऐसे सर, ये रफ में लिखा है पेज में, सेवन ऐसे ऐड करेंगे इनको, 1 प्लस 12 हो गया 2 प्लस 9 12 9 12 गुड। अब सेकंड फोर्थ सिक्स इनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 5 कितना आ रहा है बेटा? 7 7 7 7 7 12 7 कितना आएगा? 5 5 5 5 5 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है बेटा? इसको 11 से डिवाइड कर देखो, नहीं डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा आपको। यस सर, ठीक है, समझ आया बेटा? आज ही मैंने इसको ढूंढा है बेटा, ये कैनवस पर आ गया है ना, अच्छा लग रहा है ये हाँ बेटा। अब मैं किसी को बस थोड़ा स्लो लिख पाते हैं इसमें बेटा, है ना? हाँ बेटा चलो, तो डिविजिबिलिटी आज हमने समझ लिया अच्छी तरह से। नाउ लेट मी शो यू योर मैथ बुक, मैथ बुक दिखाता हूँ मैं आपको अपना, है ना? दिखा बुक आपको सर, कुछ होमवर्क दिखा क्या है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। अब जितना मैंने रूल पढ़ाया ना, 3.1 निकालो, बुक है तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 48 जैसे निकाला मैंने, ऐसे बुक खोलो आप, है ना? यस सर। जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ पेज नंबर मैं दिखाते जा रहा हूँ अभी, जस्ट ओपन योर बुक एट नाउ या डिविजिबिलिटी आने दो, यस पेज नंबर आप निकालो, बट 54 भी देखो आप, 54 निकालो, पेज नंबर 54 ओके। देखो रूल, देखो बेटा पहले देखा 10 के रूल दिया बाय 10, देखो अंडरलाइन करो, इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10, मिला सबको? इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, कॉपी में लिख लेना इसको, ठीक है बेटा? कहाँ पे, कौन सी कॉपी में? अरे कोई भी कॉपी में लिख लेना, जिसमें माने उसमें लिख लेना, बस मेरा पर्पस है कि आपको आना चाहिए बेटा, है ना? ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5 के लिए देखो, 5 के लिए अ नंबर व्हिच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस डिविजिबल बाय 5, हाईलाइट कर लो बेटा, ठीक है? 2 के लिए अदर को भी कर दिया हाँ? सर आपने अदर को भी कर दिया हाईलाइट। अरे तो भैया आप 5 तक करो ना, को करना था हाँ बेटा, इसको भी कर लो हाईलाइट, देन बाय 2 के लिए, 2 के लिए यहाँ हाईलाइट करो, देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी अदर डिजिट 2 0 2 4 6 7 8
बेटा इसको हाईलाइट कर लो आप, गॉट इट। नेक्स्ट चलें थ्री के लिए, देखो थ्री के लिए, थ्री के लिए हाईलाइट कर लो, थ्री के लिए गुड। सिक्स के लिए किसके लिए, ये हाईलाइट दिस, डिविजन बाय टू एंड थ्री बोथ, बोथ डिविजन बाय आल्सो, है ना। और एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल कोई पढ़ना आप घर में। फोर के लिए देखो, फोर के लिए नंबर विद थ्री और मोर डिजिट बाय फोर इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर। ये बेटा वन एंड टेन। एट के लिए देखो, एट के लिए अ नंबर विद फोर और मोर डिजिट डिविजिबल बाय एट, ठीक है, एट करोड़ मिल गया आपको। सिमिलरली नाइन करोड़ देखो, नाइन of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. Yes, good. और 11 के लिए देखो रूल, ये हमारा है 11 का रूल, ये बड़ा सा रूल है जो कि आपको मैंने अच्छे समझा दिया, लिख के समझा दिया, ये 11 का रूल है। Even places from the right of the even places and odd places को ऐड करना है और उसको माइनस करेंगे, अगर वो 0 आए या 11 से डिविजिबल आएगा तो यस, अदरवाइज आंसर होगा। ठीक है बेटा, आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.3 ये होमवर्क आपका है, इसको आपको करने की, ठीक है बेटा। सर कॉपी में करना है, हाँ कॉपी में करना है, और जो जो नहीं आएगा अगली क्लास में पूछना है पहले मुझसे, ठीक है। मैं कैनवास खोल के एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करना बेटा। अभी देखो कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ, अभी है हमारे पास 5 मिनट, ठीक है बेटा। तो फिर से मैं कैनवास पे आता हूँ, कैनवास से फिर से आया मैं, एक नया ड्राइंग लेते हैं। देखो ध्यान से, ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव, नंबर देखो मेरा, मैंने लिखा 3 2 5 9, हाँ मैंने स्टार बनाया, ओके ओके, टेल मी नाउ विच स्मॉलर डिजिट शुड बी देयर ऑन द स्टार so that the number is divisible by 2. Star ke paas kaun sa smaller digit? 2. Smallest digit? 2. 2. Nahin beta, usse chota aur nahi koi hai kya? Sir. Iske bare mein kya khayal hai? 0. 0. Yes. Chalo. Ab yahan par smallest digit kya tha? Acha greatest digit kya hona chahiye? नहीं, ग्रेटेस्ट डिजिट नहीं बेटा, एट, हाँ कौन बताया, किसने बोला, गुड राज साहब, गुड बेटा, एट होना चाहिए ना बेटा, नहीं तो डिवाइड ही नहीं होगा, 9 रहेगा तो। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछूं, यस सर, यस सर, इसके बाद क्लास नहीं है ना, नो सर, नहीं है ना, नो सर, गुड। अब बताओ यहाँ पे स्टार में डाल दिया या गैप बना दूं, टेल मी स्टार के पास विच स्मॉलर डिजिट शुड बी देयर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 0 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
एक और नंबर पूछ रहा हूँ मैं, थ्री वन यहाँ पर स्टार है मान लो या गैप है यहाँ पर, है ना। अब बताओ यहाँ पे three. यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, स्मॉलर डिजिट पूछ रहा हूँ मैं। सो दैट जीरो बाय थ्री, जीरो थ्री से जीरो 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 नहीं होगा, जीरो बेटा नो सर, थ्री थ्री वन। तो ऐड करो पहले थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस सेवन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो सर। थर्टीन 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 होना क्या चाहिए था, या तो थर्टीन मतलब होगा डिविजिबल, तो कितना घट रहा है दो नहीं, yes, दो अगर डाल देंगे यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा स्मॉलेस्ट में। और ग्रेटेस्ट में क्या होना चाहिए बताओ जल्दी,
ग्रेटेस्ट डिजिट थ्री। अरे नाइन नाइन रख के देखो, नाइन से जोड़ने पर कितना आ रहा है? टू आ रहा है, नहीं होगा ना? नहीं होगा सर। एट रखो तो, एट रखो कितना आएगा? 21। यस 21। यस आंसर क्या होगा? एट सर, एट है ना बेटा? यस सर। ओके सो कहाँ पहुंच गए हम यार? नाउ आई शुड स्टॉप शेयरिंग, है ना? स्टॉप शेयरिंग, आई विल स्टॉप शेयरिंग। नाउ यू कैन सी मी और माय फोटो, क्या दिख रहा है? फोटो दिख रहा है, फोटो। आपकी फोटो दिख रही है ठीक बेटा सर? आपकी फोटो, फोटो आ रहा है मेरा? यस सर। अच्छा यस सर, दिख रहा हूं ना? आज कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गया बेटा, डोंट मैटर। चलो सो वेदांश भी आ गया, क्या बात है वेदांश? साईराम सर, वेदांश पहले ही आ गया था। हाँ मैंने अभी देखा ना उसको, ठीक है बेटा, वेरी गुड। सो नाउ विल चैंट शांति पाठ एंड ट्राई टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज बेटा, और फिर मुझसे सवाल पूछना नेक्स्ट पीरियड में, ओके? अगर कोई सवाल नहीं होगा तो हम शुरू करेंगे कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, राइट? फिर उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ सीखेंगे, ओके? और हमें बहुत अच्छा मिल गया बोर्ड पढ़ाने के लिए, राइट? तो अच्छे से समझाएंगे आप। हाँ जी बोलो बेटा। सर एक्सरसाइज 3.3 करनी है। यस सर। उसके रिवीजन करना, जो अंडरलाइन कराया मैंने उसको लिखना है। सर तो चैप्टर 3 में क्या लिखना है क्लास वर्क में? क्लास वर्क में जो क्लास में काम किया बस हो गया, और क्या? क्लास वर्क में बेटा सारे डिफाइन जो लिखा है ना मैंने उसको लिख लेना, ओके? शांति पाठ करो, शांति पाठ, शांति पाठ करो। शांति शांति। साईराम नाउ यू कैन लीव अ लेसन। सर एक डाउट था, सवाल पूछो।